नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ग्रहों की चाल में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में और देश और दुनिया में घटने वाले कुछ घटनाओं के बारे में। ग्रहों की चाल में हो रहा है बड़ा बदलाव। जी हाँ, और ये बदलाव जो है ये देश और दुनिया पे बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से यहाँ पर प्रभाव डालने वाला है और इसका कुछ प्रभाव आम जनता के जीवन में भी पड़ने वाला है। इसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आखिर कौन से ये हैं ग्रह और क्या हो रहा है इनमें बदलाव? चार बड़े ग्रह, जी हाँ, चार बड़े ग्रह यूनिवर्स में मचा रहे हैं खलबली। सबसे पहले यहाँ पर शनि, जो अपने ही घर में विराजमान है, न्याय के अंतिम चरण में चल रहे हैं और अंतिम दौर का न्याय यहाँ पर कैसा फल देगा। इसी के साथ साथ गुरु हो रहे हैं नीच के, और गुरु जो नीच का हो रहा है, ये नीच का गुरु यहाँ पर शनि के साथ युति कर रहा है। तो एक तरफ तो हो गई शनि और गुरु की युति कालपुरुष की कुंडली के कर्म स्थान पर, दसवें घर में ये युति हो रही है, मकर राशि में ये युति हो रही है। दूसरा यहाँ पर युति संगत बन रहा है, ये युति संगत बन रहा है सूर्य और मंगल का, और साथ में छोटी सी भूमिका यहां पर निभा रहा है बुध। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में पहुंच रहे हैं और कन्या राशि में ही मंगल और बुध ऑलरेडी विराजमान हैं और यहां से 5 दिन बुध अभी रहेंगे। 22 को यहां पर बुध यहां से निकल जाएंगे और जैसे ही बुध निकलेंगे वैसे ही बच जाएगा आपका सूर्य और मंगल। अब सूर्य और मंगल का छठे घर पर बैठ जाना और शनि और गुरु का कर्म स्थान पर बैठ जाना, ये तो है ही है, और यहाँ से नीच के गुरु की दृष्टि का संबंध भी जो है वो सूर्य और मंगल के साथ हो जाना, अद्भुत संयोग यहाँ पर दिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा विचित्र संयोग, बहुत कम कुंडलियों में ये खेल देखने को मिलता है, बहुत कम कुंडलियों में इस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब ये दृष्टि संबंध बन रहा है और जिस तरह से ये ग्रह गोचर बन रहा है, इस तरह से तो देखा जाए तो बहुत कुछ होने की संभावनाएं बनती है, बहुत ज़्यादा कुछ होने की संभावनाएं बनती है। अब इस बहुत कुछ में क्या क्या हो सकता है उस पर थोड़े से प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी रोशनी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या कोरोना में कोई बहुत बड़ा जाल बिछेगा? क्या कोरोना वापस से फैलता हुआ नजर आएगा या क्या कोरोना यहाँ पर खराब करता हुआ नजर आएगा? दो चीज़ें आपको बताता हूँ। आने वाले 1.5 महीने के लिए, 1.5 मंथ, स्पेशली 2 महीने आप मान के चल सकते हैं, बट 1.5 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले 1.5 मंथ के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। जी हाँ, अब ये आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट आने वाला 1.5 मंथ जो है दैट इज अ नेगेटिव मंथ, और इस नेगेटिव पीरियड में कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन जाएगी। अब जब इम्यूनिटी पावर डाउन जाती है तो कॉमन सेंस है कि बीमारियां आती है, इट मींस कि कोरोना भी आ सकता है। अब आता है नहीं, कोरोना आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोरोना यहां पर आ सकता है, बट हिट करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, यहां पर पीछे पीछे मंगल के साथ साथ पराक्रम का योगदान है, पराक्रम का योगदान जो है वो भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा या वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस में जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आपका इस तरह से फ्लक्चुएट करता है, जब इस तरह से कॉन्फिडेंस में वेरिएशंस आते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी विचलित होती हैं, थोड़ी सी खराब होती हैं, थोड़ी सी चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं। अगर इस पैटर्न को मैं देखूँ तो यहाँ पर ना तो सूर्य फेवर का कर रहा है ना ही मंगल का फेवर है, दोनों ही यहां पर अनफेवरेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और जब अनफेवरेबल पोजीशन में बैठते हैं तो वहां पर दिक्कतें ज्यादा होती है, परेशानियां ज्यादा होती हैं। मतलब कि ये तो कंफर्म हो गया कि आम जनजीवन के लिए ये दोनों ही प्लैनेट बड़ा ही अतरंगा सा खेल खेलते हुए दिखेंगे, कुछ अच्छा होता हुआ यहां पर शायद न दिखे। दूसरी तरफ सूर्य बुध का बुधादित्व योग 5 से 6 दिन के लिए बनेगा, और ये 5 से 6 दिन के लिए जो सूर्य और बुध का बुधादित्व योग है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मतलब चीज़ आ रही है और एकदम से छूट जाएगी, कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। और उस तरफ अगर देख ले कर्म स्थान पर, तो शनि और गुरु का योग यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम कह रहे हैं नीच भंग राजयोग। आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नीचभंग बन कैसे रहा है, आधे लोगों को नीचभंग दिख रहा ही दिखाई दे रहा है, बट उसकी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। हकीकत में नीचभंग राजयोग बन रहा है,
शुरू के 10 दिनों के लिए और अंतिम के 10 दिनों के लिए यहां पर नीच बंगी राजयोग बन रहा है। अगर मैं बात करूं 26 सितंबर से पहले पहले नीच बंग बहुत ज्यादा प्रबल है, और पीछे अगर हम बात करें तो 17 अक्टूबर के बाद ही नीच बंग प्रबल है, मतलब कि इसके बीच में आपका नीच भंग होगा और इसी के बीच में यहाँ पर कोरोना वायरस कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाएगा। मैं ये नहीं कह रहा भारत में ही अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि अभी का जो मूवमेंट दिख रहा है वो इंडियन चार्ट के लिए, भारत की कुंडली के लिए या इस डायरेक्शन के लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर या कोरोना के प्रकोप या कोरोना के कारण से होने वाली बहुत बड़ी परेशानियों से ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी। सो दैट इज वेरी क्लियर। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई कि इतना तो क्लियर रखें कि हमारे देश में कोरोना को लेके ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं, बट विश्व में अगर हम बात करें तो कोरोना को लेके कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियाँ इस टाइम फ्रेम में आती ही रहेंगी। अमेरिका की तरफ भी ये इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। अब अमेरिका के साथ साथ ब्राज़ील को भी मैं यहाँ पर कहूँगा और ऑस्ट्रेलिया को भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि थोड़ा सचेत रहना चाहिए इनको, यहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इटली में हल्का सा वाइब्रेशन है बट बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ नहीं हैं, और यूके की तरफ चीज़ें फाइन हैं, चीज़ें ठीक हैं, वहाँ ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, क्योंकि जहाँ पर मंगल खराब हो गया, जहाँ पर सूर्य खराब हो गया, गुरु की नीच की दृष्टि पड़ गई, वहाँ पर राजनीतिक उठापटक, सरकार और जनता के बीच में विद्रोह और जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेना, ये तो आता ही आता है, और इसी कारण से देश का माहौल बिगड़ेगा, देश का माहौल बिगड़ेगा, दुनिया का माहौल बिगड़ेगा, और दुनिया में नेगेटिव एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। आने वाले 1.5 मंथ, 1.5 महीने तक नेगेटिव चीज़ें जो है वो देश और दुनिया में माहौल बना के रखेगी, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जब नेगेटिव दौर आता है तो नेगेटिविटी एक्टिव हो जाती है। अंधेरा जब पड़ता है तो अंधेरी ताकतें जाग जाती है, वैसे ही जब नेगेटिविटी नेचर में बढ़ जाती है, ग्रहों के कारण से सपोर्ट नहीं मिल पाता और ग्रहों के कारण से नेगेटिव चीज़ें जब हो रही होती हैं तो वहाँ पर भी नेगेटिव ताकतें बढ़ जाती हैं, और यही नेगेटिव ताकतें आप लोगों को नुकसान देने की कोशिश करती है, आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जहाँ पर नेगेटिव चीज़ों से हमें बच के रहना है और हमें इस 1-1.5 महीने में अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है, ताकि आपको कोई भी नुकसान न पहुँचे और आप किसी भी तरह से अपने आप को परेशान न करें। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के जनता के बीच में विद्रोह है, यहाँ पर आंदोलन, किसान आंदोलन के अलावा कोई और आंदोलन भी आता हुआ दिखाई देता है, धर्म के ऊपर मुद्दे उठते हुए क्लियर दिखाई देते हैं, और ये ग्रहों का खेल जो है ये आगे का खेल बिगाड़ रहा है। भारत के उत्तर पूर्व दिशा से धर्म से संबंधित कोई दिक्कतें कोई परेशानियां यहां पर दिखाई देंगी। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में कोई बड़ी चीजें यहां पर हो सकती हैं, इसके चांसेस दिखाई देते हैं। भारत के अंदर मैं बात करूं स्पेशली तो लखनऊ और वाराणसी दो ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा विचलित कर सकती हैं, ज्यादा खराब हो सकती हैं, इसके भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से कोई ना कोई यहां पर आपको न्यूज आ जाएगी, बहुत जल्दी ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो इसके अलावा एक और चीज है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लॉ जो है वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर ले सकता है, जो कि पूरे देश के लिए सर्वोपरि रहेगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम बाहर चलें यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई कठोर निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ स्ट्रांग डिसीजन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, इसके चांसेस पूरे बनते हैं। एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर बदलाव के चांसेस देखे जाएंगे, एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखा जाएगा, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और पूरे वर्ल्ड के लिए रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ अमेरिका की, अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका की तरफ से कुछ और न्यूज़ आएगी रिलेटेड टू द मेडिसिन और वैक्सीन, साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से यहाँ पर केसेस में इजाफा भी देखा जाएगा। चाइना की तरफ से कुछ न कुछ हरकतें यहां पर की जाएंगी जो कि थोड़ी सी नेगेटिव रहेंगी, चाइना की तरफ से यहां पर पॉजिटिव न्यूज अभी मैं नहीं देख रहा हूं, और साथ ही साथ चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा और पाकिस्तान यहां पर गलत चीजें करता रहेगा, चाइना पीठ पीछे वार यहां पर जरूर कर सकता है, क्लियर चीजें दिखाई देती हैं कि चाइना यहां पर अगर कोशिश करेगा तो वो पीठ पीछे वार करेगा।
भारत में राजनीति की उठापटक आपने देख ही लिया, जिस दिन हमने कहा उसी दिन गुजरात में हमने राजनीति को पलटते हुए देखा है। बट ये अभी अंत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। मतलब कि अभी डेढ़ महीने राजनीतिक लेवल बिल्कुल भी बैलेंस होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो अभी डेढ़ महीना राजनीति में और भी खलबली यहां पर मच सकती है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आने वाला समय जो है वो आपके लिए, विशेषकर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, और आम जनता को ज्यादा दिक्कतें ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। बस आपको माहौल देखना है और अपने आप को रिलैक्स रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये चार बड़े जो ग्रह है, ये चार बड़े ग्रह देश और दुनिया में काफी ज्यादा बदलाव करते हुए नजर आएंगे। यहां पर रोड एक्सीडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको है या फिर कोई लंबी बीमारी जो सालों पहले थी वो वापस आ सकती है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खासकर ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, खून से संबंधित बीमारियां और अचानक झटका जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ये आपको हो सकता है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कतें बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है, बिकॉज क्योरेबल चीज़ें होंगी सारी की सारी और बहुत आराम से क्योर हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और आप सभी की सेहत से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल नहीं है। ये जो चार ग्रहों का जो मेल हो रहा है, दो दो ग्रहों का जो मेल हो रहा है एक कुंडली चार्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है और बहुत सारी दिक्कतें देता है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं कि होने वाला क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ दो ही चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। पहली चीज, होगा वही जैसा आपके कर्म होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, कर्म का फल ही आपको मिलने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर निश्चित है कि ये शनि का थर्ड फेज चल रहा है और कर्म के फल का यहां पर मिलना तय है, तो इसीलिए आप सभी को कर्म का फल यहां पर मिलेगा। दूसरी चीज, फायदा अगर उठाना है तो एक ही रास्ता है, बड़ों का सम्मान कर ले और आध्यात्म में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी यहां पर होते हुए दिखाई देगी। अदरवाइज समय आपके सामने आएगा, समय आपको सारी चीजें दिखाएगा और आपके सामने सारी घटनाएं एक एक करके घटती जाएंगी। उम्मीद करूंगा कि मैं घटना के घटने से पहले आप सभी को अवगत कराऊं और वो घटना के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।